आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट देख पा रहे हैं, इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक UTM लिंक जनरेट करके देगा। ये एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने फेसबुक एड्स को कैसे गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही सटीक तरीके से, यानी कि कौन सी कैंपेन से ट्रैफिक आ रहा है, या अगर आपको ये जानना है कौन से एडसेट से ट्रैफिक आ रहा है, या आपको ये जानना है कि कौन से पर्टिकुलर एड्स से ये ट्रैफिक आया है या कन्वर्जन हुआ है, तो इसको बहुत ही बिना मिस्टेक और ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को अवॉइड करते हुए अगर आपको ट्रैक करना है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो मोस्ट कॉमन तरीके जो एड ट्रैकिंग के होते हैं जिसमें एरर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसमें से पहला है ये कैंपेन URL बिल्डर, जो कि बहुत कॉमन है, गूगल की तरफ से एक टूल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जैसे कि आपने अगर बहुत सारी लिंक आपने जनरेट करी हैं तो आप भूल जाते हो कि पुरानी लिंक्स में आपने सोर्स को क्या नाम दिया था या कैंपेन को क्या नाम दिया था। स्पेशली सोर्स की मिस्टेक होती है, हो सकता है आपने फेसबुक ऐड लिखा हो, या हो सकता है आपने फेसबुक एड्स लिखा हो, या आपने लिखा हो FB एड्स, या आपने लिखा हो FB, या हो सकता है आपने मेटा लिखा हो। तो दोस्तों इस तरीके से टर्मिनोलॉजी चेंज होती जाती है, तो जब आप एनालिटिक्स में जाके सोर्स में देखते हैं तो आपको सब कुछ गड़बड़ नज़र आता है, कभी फेसबुक एड्स नज़र आता है, कभी FB एड्स नज़र आता है। आपको देखना है कि एक ही चीज़ हमेशा सोर्स रही हो, एक ही हमेशा मीडियम रहा हो, या वो तो एक तालमेल में चलती आ रही हो चीज़ें। तो दोस्तों कैंपेन URL बिल्डर की यही एक प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास पुरानी हिस्ट्री नहीं रहती, जिस कारण से आपको बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों दूसरा तरीका जो कि फेसबुक का खुद का एक टूल है जिसमें भी काफ़ी एरर आते हैं, जो कि ये है, जिसमें आप एड सेक्शन में आके सबसे आखिरी में आके देखते हैं URL पैरामीटर्स, बिल्ट अ URL पैरामीटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप कैंपेन सोर्स, कैंपेन मीडियम, कैंपेन नेम और कैंपेन कंटेंट डाल सकते हैं और उसका प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं। पर दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार खुद ही अपने आप चीज़ों को शफल कर देता है, यानी कि आपको मीडियम की जगह कैंपेन का सोर्स या कैंपेन का नाम दिख सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों इस टूल में ये है कि अगर आप फ्यूचर में इस कैंपेन को कॉपी करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो नई कैंपेन का आपने नया नाम दिया उसके बावजूद भी आपको पुरानी कैंपेन का नाम ही नई कैंपेन के पैरामीटर्स में शो हो रहा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल टूल यूज़ करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है तो आपको एनालिटिक्स में किस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये गूगल एनालिटिक्स 4 के डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं ई-कॉमर्स परचेस आइटम्स में, यहाँ पहले कॉलम में आप देख रहे हैं आइटम का नाम क्या, और दूसरे कॉलम में देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है कौन सी कैंपेन से कितना ट्रैफिक लेके आया है और उससे कितने रुपये की सेल हुई है। तो इससे आपको ये पता चलता है दोस्तों कि कौन सी कैंपेन से आया, अभी कौन सी कैंपेन, कौन सा एड सेट, ये कैसे ट्रैक हुआ, ये वही UTM पैरामीटर्स डालने के कारण ट्रैक हुआ है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर एड से कितनी सेल हुई है तो इसको मैं कंटेंट पे कर सकता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, यहाँ सर्च करूँगा, और अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी कंटेंट में मैंने जो है एड्स के नाम दे रखे हैं, तो अब ये एड्स के नाम से बता रहा है, जैसे गर्ल टू स्मज रील वाला जो ऐड है उसने ये वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे इतने आइटम यूज़ करवाए हैं पिछले लास्ट 7 डेज में और इतने रुपए की सेल करवाई है। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपरली जानना चाहते हैं कि कौन से ऐड से, कौन सी कैंपेन से और कौन से ऐड सेट से कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितनी परचेस हुई है, कितने ऐड टू कार्ट हुए हैं, उसके लिए आपका जो फेसबुक ऐड का डेटा है वो आपके गूगल एनालिटिक्स तक प्रॉपर जाना चाहिए, सटीक तरीके से जाना चाहिए। तो उसका एक सबसे सही तरीका ये होता है कि जो भी आप लिंक देते हैं फेसबुक एड्स में उसी लिंक में आप प्रॉपरली मेंशन कर दें कि सोर्स क्या है, मीडियम क्या है, कंटेंट क्या है। तो दोस्तों ऐसी लिंक जनरेट करने के लिए आज मैं आपको कैसे आप एक सिंपल एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट देख पा रहे हैं, इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक UTM लिंक जनरेट करके देगा। ये एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको लिंक पे जाना, इस तरीके से शीट ओपन होगी। शीट ओपन करने के बाद आपको यहाँ फाइल के बटन दबा के, यहाँ पे डाउनलोड्स की बटन दबा के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज करना है और आपकी ये जो शीट है ये डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालनी है, जो कि आज की डेट में यहाँ डाल देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट पेज या लैंडिंग पेज का URL है उस URL को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ www.xyz। इसके आगे दोस्तों आपको सोर्स बताना है। अभी एक्सेल शीट ही हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम हमारे सोर्स के नाम हमेशा कंसिस्टेंटली सेम रखें, अगर गड़बड़ होएगा तो फिर हमको एनालिटिक्स में भी डेटा जो है गड़बड़ दिखेगा। हमें एक ही नाम रखना है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सेम रहे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मेटा एड्स। अब दोस्तों आगे आप जितनी भी लिंक जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या ये पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो आपको पता रहेगा कि आपने सोर्स का नाम क्या दिया था। दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने स्पेस दिया, स्पेस की जगह आपको प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाएंगे तो आपको एनालिटिक्स में वो स्पेस दिखेगी, पर यहाँ पे वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों मीडियम बताना है। मीडियम में जो है आप अपने एड सेट का नाम दे सकते हैं, फेसबुक एड के अंदर जो एड सेट होता है उसका नाम दे सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि उस एड सेट के अंदर जो भी सेटिंग थी उस सेटिंग या उस एड सेट के कारण आपको ये ट्रैफिक या ये परचेज या परफॉर्मेंस मिली है। मैंने यहाँ पे टाइप किया एड सेट वन, और जितनी भी जगह मुझे स्पेस लगाना था उस जगह पे मैंने लिखा है प्लस। प्लस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एनालिटिक्स में ऑलरेडी स्पेस लगा हुआ दिखेगा। अब दोस्तों कैंपेन नेम में आपको बिल्कुल वैसा का वैसा कैंपेन नेम कॉपी करके अपने फेसबुक से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपको यही कैंपेन नेम आपके गूगल एड्स में लिखा हुआ दिखेगा। अब दोस्तों आगे आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, टर्म और कंटेंट। दोस्तों कंटेंट में आपको ऐड का नाम देना है, और टर्म तब आपको यूज़ करना है जैसे कि अगर आप गूगल एड्स का यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप टर्म का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप टर्म को खाली छोड़ देंगे। कंटेंट में आपका जो भी ऐड का नाम है, जैसे ऐड वन, ऐड टू, या वीडियो ऐड, या क्राउजल ऐड, या इमेज ऐड, जो भी आपके ऐड का नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा इमेज प्लस वन प्लस ऐड, यानी कि इमेज स्पेस वन स्पेस ऐड, इस तरीके से आपको ये शो होगा आपके गूगल एनालिटिक्स में। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी फाइनल जो URL है वो यहाँ बन के तैयार हो गई, www.xyz.com, फिर UTM सोर्स में मेटा एड्स, UTM मीडियम में एड सेट वन, UTM कैंपेन में न्यू प्रोडक्ट सेल, और UTM कंटेंट में इमेज वन ऐड। इस तरीके से आपका पूरा एक URL तैयार हो गया। बस इस URL को आपको अपने फेसबुक ऐड के फाइनल URL में पेस्ट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और इस तरीके से दोस्तों आप ये जो वेबसाइट URL वाला जो सेक्शन होता है इसमें आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपका जब ऐड चलेगा उस ऐड से जो भी ट्रैफिक आएगा तो वो आपको एनालिटिक्स में इस तरीके से चीज़ों को मेंशन करके देगा। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप कंटेंट देख पाएंगे, कैंपेन देखना है तो कैंपेन देख पाएंगे, सोर्स या मीडियम देखना है तो मीडियम भी देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी या कोई सर्विसेज चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी नए टॉपिक पे अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।